कमलनाथ को बहुमत साबित करने के लिए 2 सप्ताह का वक्त चाहिए। उसके वकील अभिषेक मनु सिंघवी भी सुप्रीम कोर्ट से 2 सप्ताह का वक्त मांग रहे हैं। एक अल्पमत सरकार को 2 सप्ताह का वक्त क्यों चाहिए? सवाल ये है कि 2 सप्ताह में कमलनाथ क्या करेंगे? जिस तेजी से पिछले 2 दिनों में उन्होंने फैसले किए हैं, नई नियुक्तियां की हैं, क्या वे उसे और आगे भी जारी रखना चाहते हैं? अब तक के सभी पेंडिंग फाइल्स को निपटाने के लिए उन्हें 2 सप्ताह का वक्त चाहिए, या बीजेपी जो आरोप लगा रही है कमलनाथ वह सब करना चाहते हैं? बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस के बागी विधायक और खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कमलनाथ पर लूटराज का आरोप लगा चुके हैं। कांग्रेसी वकीलों की दलीलों पर न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि ये हफ्ते खरीद फरोख्त के लिए सोने की खान सरीखे हैं, इस वजह से कोर्ट फ्लोर टेस्ट का आदेश देने में प्रोएक्टिव है। विचार रहता है कि फ्लोर टेस्ट जल्द से जल्द करवाया जाए और ऐसी बातों से बचा जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश विधानसभा स्पीकर से पूछा कि क्या वे वीडियो लिंक के जरिए कांग्रेस के बेंगलुरु में मौजूद उन सभी विधायकों से बात कर सकते हैं जिनके इस्तीफों की वजह से राज्य की कमलनाथ सरकार अल्पमत में आ गई है। स्पीकर ने विधायकों से खुद सामने आकर इस्तीफे की पुष्टि करने के लिए कहा था, लेकिन विधायकों ने सुरक्षा व्यवस्था की गैर मौजूदगी में ऐसा करने से इनकार कर दिया। बागी विधायकों का आरोप है कि कांग्रेस उन्हें इस्तीफा वापस लेने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रही है और इस वजह से वे भारी दबाव में हैं। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम उनकी इच्छा सचमुच स्वेच्छा से व्यक्त किए जाने की स्थितियां सुनिश्चित कर सकते हैं। हम बेंगलुरु या किसी और स्थान पर पर्यवेक्षक नियुक्त कर सकते हैं, वे आपसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संपर्क कर सकते हैं और आप तब फैसला ले सकते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर ने फैसला करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से 2 हफ्ते का वक्त मांगा। वरिष्ठ अधिवक्ता तथा कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, मुझे फैसला करने के लिए 2 सप्ताह का समय दीजिए। बागी विधायकों को मध्य प्रदेश में अपने घरों में लौट कर आने दीजिए, वे अपने परिवारों से दूर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का विचार मेरी चिंताओं की पुष्टि करता है। इस पर न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि ये हफ्ते खरीद फरोख्त के लिए सोने की खान सरीखे हैं, इस वजह से कोर्ट फ्लोर टेस्ट का आदेश देने में प्रोएक्टिव रही है। विचार रहता है कि फ्लोर टेस्ट जल्द से जल्द करवाया जाए और ऐसी बातों से बचा जा सके।